दोषियों के नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, बैंकर अपॉइंटमेंट के दोषियों के नाम बताओ, नाम बताओ, बैंकर अपॉइंटमेंट के दोषियों के नाम बताओ, नाम बताओ, अशुकुतिया बैंकर अपॉइंटमेंट के दोषियों के नाम बताओ, नाम बताओ, बैंकर अपॉइंटमेंट के दोषियों के नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, बैंकर अपॉइंटमेंट के दोषियों के नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, बैंकर अपॉइंटमेंट के दोषियों के नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, बैंकर अपॉइंटमेंट के दोषियों के नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, बैंकर अपॉइंटमेंट के दोषियों के नाम बताओ, बैकर अपॉइंटमेंट के दोषियों के नाम बताओ, नाम बताओ, बैकर अपॉइंटमेंट के दोषियों के नाम बताओ, 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 सर अशोक जी क्या कहेंगे जो ये अरे सरकार ने कहा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, उनकी फोटो लेकर के खड़ा हूँ, एलजी साहब से पूछ रहा हूँ, 2.5 लाख लोगों के नाम तो बता दो, किसने अपॉइंट करे उनका नाम बताओ, कौन कौन लोगों ने माल खाया जो इकट्ठे मिलकर के जम्मू को इंसाफ दिलवाने की बातें कर रहे हैं, उनका नाम तो बता दो भाई, 2.5 लाख लोग, अगर 2.5 लाख लोग बैकडोर अपॉइंटमेंट में है, अगर नहीं है, चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं सच होगा, तो उसकी जगह सारे डेली वेतन भर दो यार, क्या फर्क पड़ता है, उनको काम मिल जाएगा, इसलिए बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। अरे सरकार नाम बताए ये मांग कर रहा हूँ, अरे कुछ नाम मैं बता रहा हूँ यार, देखो आज विजिलेंस कमिश्नर मिस्टर पुरी थलेगरी करो थलेगरी, उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी है, ये देखो क्या लिखा है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन JNK श्रीनगर जम्मू, ये कुछ नहीं है भाई साहब, ये देखो एक एफिडेविट है, एफिडेविट भी साथ में निकाल करके लाया हूँ बाहर, किस किसने बैकडोर अपॉइंटमेंट करी उसकी भी लिस्ट लाया हूँ, देखो मेरे भाई वो भी लिस्ट साथ में आपके सामने, एक एक कॉपी आपको भी भेजूंगा, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए एक लिस्ट है, अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द स्पीकर श्री, वो जो कह रहे थे ना यहाँ आल पार्टी जम्मू को इंसाफ, उन्हीं की पार्टी का एक बंदा स्पीकर श्री मोहम्मद अकबर लोन, वो जरा आधा पाकिस्तान जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी बोला और सुप्रीम कोर्ट के बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई उसके विषय के अंदर कोई कहने का प्रयास नहीं करना चाहता। मोहम्मद अकबर लोन ने विधानसभा के अंदर 28 लोगों की लिस्ट है, आपको भी देने का प्रयास करूंगा, 28 बंदे बैकडोर अपॉइंटमेंट, अगर आपको हो तो नाम भी बोलता हूँ यार, बोल दो अब्दुल हमीद डार, बलबीर चंद, रियाफत रसूल, नेपाला भट्ट, मोहम्मद अयूब डार, शबीर अहमद हाफिज, इशाक हुसैन परे, उसके बाद में आशिक हुसैन, जावेद इकबाल, निसार अहमद, फिर शबीर अहमद, याहिर हुसैन, मोहम्मद नासिर, उसके बाद में नजीर अहमद, सूर्या अख्तर, सरैया डार, जावेद अहमद, पीर महाराज, मोहम्मद मंसूर,
अमीद भट्ट 28 लोगों को बैकडोर अपॉइंटमेंट करके जो पाकिस्तान जिंदाबाद विधानसभा के अंदर कहता था, क्योंकि वो विधानसभा के अंदर स्पीकर था, उसने बार बार से ही लोग बुलाए अपने रिश्तेदार, कोई पैसे खाए वहां बैठ करके। कुछ लोग कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे, तथ्यों को लेकर के बाहर आए। एक लेडी बोल रही थी तथ्यों को लेकर के बाहर आना चाहिए, मैं तथ्यों को लेकर के बाहर आया। उस लेडी से पूछना चाहता हूं, उसने भी एक अपना रिश्तेदार लगाया, उस समय कौन था स्पीकर मुबारक गुल। वो जो लेडी कल बड़ी बड़ी चिल्ला करके कह रही थी पीडीपी की नेता मदनी, अरे मदनी को भी भर्ती बैकडोर अपॉइंटमेंट में करा, शोर शराबा पड़ा। क्या कहेंगे सरकार से आप इस? अरे सरकार से और क्या कहना चाहता हूँ, 2.5 लाख लोगों की लिस्ट कटो बाहर, जिन्हें डेली वेजर है उनकी जगह भर्ती कर दो। ठीक सर। और माल किसने खाया, और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट कैसे मिला, कोई बताता है ना, इसको SSRB के थ्रू लगाया गया, इसको फलानी संस्था के माध्यम से उसका इंटरव्यू हुआ, फिर लगे 2.5 लाख लोग जम्मू कश्मीर के अंदर लग गए, और जिन्होंने लगाए वो डाकू चोर हैं, और यहाँ इकट्ठे होकर के कह रहे हैं हम इंसाफ देंगे, हम धरना देंगे 10 तारीख को। तुम 10 तारीख को धरना दोगे, मैं 10 तारीख को जुलूस निकालूंगा, और तुम्हारे 10 दिन लगातार जितने दिन लग रहे हैं रोज चिट्ठे कटूंगा, ये तुम्हारे चिट्ठे हैं, अभी एक चिट्ठा हो रहा है वो कल या परसों निकालूंगा। आगे अपॉइंटमेंट मेड बाई ऑनरेबल, प्लीज पूरी बात होने दो जी, अपॉइंटमेंट मेड बाई ऑनरेबल स्पीकर ताराचंद जी ने भी 5 लाए, फिर मुबारक कुल ने उन्हें भी मारे 8 लाए उड़े। ये तथ्यों पर आया हूँ मैं, साइंड डॉक्यूमेंट लाया हूँ, देखते चलो आप, अनसाइंड कोई डॉक्यूमेंट, ये एफिडेविट और ये विजिलेंस की रिपोर्ट भाई साहब, और नीचे साइन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर JNK श्रीनगर मिस्टर पुरी 2010। देखते चलो इनकी अपॉइंटमेंट कब कब हुई, 2010, 2008, 2013 किस किस की सरकार थी, मदनी को भर्ती कैसे करा गया। एक लेडी चिल्ला चिल्ला करके कर रही थी, पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखो, जिसके घर शीशे के अंदर होते हैं, जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों घर में पत्थर नहीं मारते, ये शीशा मदनी वाला। और अभी एक चिट्ठा और निकालूंगा, किसी ने अपने भतीजे को लगा लिया, किसी ने अपने ताऊ के बेटे को लगा लिया, वो अलग अलग पार्टी भी गिनूंगा भाई, पर फिर यहाँ आकर के इंसाफ की गुहार जम्मू के अंदर हम बैठ करके धरना देंगे और इंसाफ मांगने की बातें करेंगे। तूने बैकडोर अपॉइंटमेंट करी, तूने नौजवानों का हक छीना, और हक छीनने के बाद आज तुम कहते हम इंसाफ देंगे। मैं बिल्कुल 2-3-4 दिन के बाद फिर आपको बुलाऊंगा, और तथ्यों पर आधारित आपको ये सारे पेपर भेज रहा हूँ जिसके अंदर इन लोगों ने बैकडोर अपॉइंटमेंट करी है। और चीफ सेक्रेटरी LG से भी कहना चाहता हूँ कि 2.5 लाख लोगों को बाहर फेंको, किस किसने लगाए, अरे विजिलेंस की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसने दिया, होम डिपार्टमेंट के माध्यम से नो ऑब्जेक्शन से किसने दिया, होम डिपार्टमेंट में 2010 में कौन था, 11 में कौन था, 12 में कौन था, 13 में कौन था, सेक्रेटरी हमारा ला वो चुप करके क्यों बैठा हुआ था बैकडोर अपॉइंटमेंट के विषय के अंदर, उस समय का चीफ सेक्रेटरी अरे कुंगनी क्यों नहीं खोल रहा था। आज के चीफ सेक्रेटरी ने कहा 2.5 लाख लोगों की बैकडोर अपॉइंटमेंट, श्रीमान चीफ सेक्रेटरी महोदय धन्यवाद आपका, लेकिन नाम तो बाहर कटो, किसने लगाए उसका नाम भी निकालो, FIR दर्ज करो, हथकड़ियां लगाओ, अंदर फेंको, फिर जाकर के समझूंगा। पूरी कार्रवाई करने का आप लोगों ने भी प्रयास करा है, आप कहते हैं आपने ईमानदारी करी, लेकिन जिन्होंने बेईमानी करी उनको पकड़ करके अंदर करोगे तब जाकर के आपकी ईमानदारी जाहिर होगी। मैंने तथ्यों पर आधारित शब्द कहे हैं, किसी को मेरे साथ बैठ करके इस पर कोई चर्चा करनी है चर्चा करने का प्रयास कर सकता है। विजिलेंस की रिपोर्ट है, उसके ऊपर 37 लोगों को बैकडोर अपॉइंटमेंट, इसके आगे और भी लोग हैं जो सिर्फ विधानसभा के अंदर एक हुए, बाकी खादी बोर्ड के अंदर कितने हुए, उसके बाद में
बड़े बड़े डिपार्टमेंट जी, मैं आपको ऐसा चिट्ठा खोलूंगा कि इनके कुछ और खोलने का प्रयास होगा, इसलिए बड़ी मांग करना चाहता हूं कि ये जो बैकडोर अपॉइंटमेंट के विषय के अंदर इस सरकार के माध्यम से कुछ चीजें बाहर आई, लेकिन नाम बाहर नहीं आए। किसने किसने लगाए वो बाहर नहीं आया। तथ्य बाहर लाओ और तथ्य बाहर ला करके उनको पकड़ करके जेलों में बंद करो जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं।